हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ यूनिक साड़ी स्टाइल कैसे ड्रेप की जाती है उसी का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए मेरे साथ देख लीजिए कि यूनिक साड़ी को कैसे ड्रेप करें। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें साड़ी का फर्स्ट टक लगाना है, जैसे हम नॉर्मली साड़ी में लगाते हैं। देन पल्लू वाले पोर्शन को पकड़कर हम सबसे पहले प्लेट्स बनाएंगे। कई बार मैंने आपको पास से बताया है प्लेट्स बनाना, तो हम एक एक करके पल्लू वाले पोर्शन की प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से। और अब हम पल्लू को पीछे से राइट साइड की शोल्डर पर इस तरह से डाल लेंगे। और ये जो पल्लू वाला पोर्शन है इसको हमें अपने घुटनों से नीचे रखना है और इसको इस तरह से घुमाते हुए चेक कर लेना है कि वो सामने की ओर आ रहा है या नहीं, क्योंकि इस पल्लू वाले छोर को हमें अपने फ्रंट की प्लेट्स पर टक करना है। तो जब ये इस तरह से सामने की ओर आ जाए तब आप शोल्डर पर अपने पल्लू को पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब हम सबसे पहले फ्रंट्स की प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही आप इसमें बनाएंगे। और इन प्लेट्स को भी हम एक पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब इसको हम कमर में टक कर लेंगे। पर जनरली जो सीधे पल्लू को हम राइट साइड की ओर टक करते हैं, पर इसमें हमें लेफ्ट साइड की ओर मुंह करके टक करेंगे, क्योंकि जो पल्लू वाला पोर्शन आएगा वो हमारा प्लेट्स पर आएगा और इसमें प्लेट्स हमारी जो है ढक जाएंगी, इसलिए आपको लेफ्ट साइड की ओर टक करना है प्लेट्स को। अब सबसे लास्ट काम क्या करना है आपको, ये जो पल्लू वाला पोर्शन है ना, इसका जो छोर है आपको इसको इस तरह से पकड़ना है और पीछे से घुमाते हुए अपने राइट साइड की प्लेट्स पर लाना है। और जब ये आप काम करेंगे तब ये प्लेट्स थोड़ी सी हमारी दिक्कत देगी, क्योंकि इस स्टाइल में साड़ी की जो प्लेट्स हैं वो इसी तरह से बनती हैं, तो हमें इन प्लेट्स को ठीक करते जाना है। और पल्लू वाले छोर को खींचते हुए इस तरह से सामने की ऊपर वाली प्लेट्स पर इसको हम रखेंगे। और अब साड़ी पिन से इन सारी प्लेट्स को सिक्योर कर लेना है। और अब ये शोल्डर वाली जो लास्ट की प्लेट्स है वो हमारी लूज हो रही है, तो इसको हम इस तरह से अंदर पर एक प्लेट्स बनाकर पिन से सिक्योर कर लेंगे सारी प्लेट्स को। तो लीजिए हमारी साड़ी एकदम तैयार हो गई है। ये है अनुपमा स्टाइल, इसे आप मरमेड स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की साड़ी को आप शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में आप वियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज का, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको साड़ी का लुक कैसा लगा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का यूनिक साड़ी ड्रेपिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये साड़ी ड्रेपिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।